टीम सोल के प्लेयर थी, अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहेंगे, यहां से एक स्लैमन करेंगे या फिर अपनी टीम के पास फॉल बैक करेंगे, क्योंकि टीम सोल एक अलग ही प्रॉब्लम में फंसती है। राइवलरी की टीम इनके करीब नजर आएगी, डेल्टा पीजी अभी भी सर्वाइव करते हुए फ्रॉम टीम राइवलरी नजर आ रहे हैं, बाकी प्लेयर्स यहाँ डाउन किया जा चुके हैं, उन्हें भी स्पॉट किया जाएगा और बाहर भी कर दिया जाएगा। बट यहाँ सिर्फ एक फाइट नहीं है, सिर्फ एक टीम नहीं है, मैक्स कश भी नजर आ रहे हैं हमें कुछ ही दूरी पर। टीम फॉरएवर पहुंच चुकी है टीम सोल का सामना करने के लिए और प्लेयर सिक्स यहां से स्मोक्स करते चले जा रहे हैं। उन्हें पता है कि इन स्मोक स्क्रीन का कितना ज्यादा महत्व है इस मैच के अंदर, जितना ज्यादा कवर, जितने ज्यादा कवर वो बनाएंगे अपने लिए, जितना ज्यादा स्मोक स्क्रीन बनाएंगे अपने लिए, कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के चांसेस उतने ही ज्यादा। और टीम फॉरएवर अभी के लिए बैकफुट पर नजर आ रही है क्योंकि सिर्फ दो खिलाड़ी उनकी टीम से देखने को हमें मिल रहे हैं। 13 प्लेयर्स का लॉबी होने वाला है, फिफ्थ सर्कल यहाँ पे बन चुका है। टीम टॉक्सिक अपना जगह बना, टीम फॉरएवर को भी N20 को टेक डाउन किया गया। मैक्स कश बीइंग दैट सोलो सर्वाइवर, सोल प्लेयर थ्री सीधा क्लोजिंग करेंगे, फ्री फायर जरूर से ले रहे यूएमपी का, ज्यादा कुछ डैमेज स्टार से नहीं दे पाएंगे, बट मैक्स कश को टेक डाउन कर दिया। टीम सोल 5 फिनिशर्स निकाल चुकी है अभी के लिए, 2 प्लेयर अभी देखा जाए, चारों प्लेयर्स जिंदा है, दूसरे प्लेयर जो नॉकआउट हुए थे सोल प्लेयर यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। आखिरी कोशिश, एक प्लेयर पूरी तरीके से ESN गेमिंग को चकमा देके निकलने की कोशिश में, जरूर से अनुष्टुप को रिवाइवल जरूर से मिल जाएगा, बट 25 सेकंड आपके पास रहने वाले सोल के। पूरी प्लेयर्स का स्लैम आता हुआ, रेवेनेंट के ऑस्टिन बॉडीज को टेक डाउन कीजिएगा। टॉप डॉग अभी भी बाहर है सर्किल के, वो आखिरी प्लेयर है रेवेनेंट के। सोल की टीम एक लौती टीम है जो सेंटर एरिया पे क्लस्टर बना के अभी के लिए खेल रही है। टीम टॉक्सिक को एंट्री करना पड़ेगा, टॉप डॉग फिलहाल के लिए आगे बढ़ते जा रहे सोल के प्लेयर्स की तरफ, उनके रेडार के अंदर जरूर से है, बट वेलोसिटी गेमिंग माइट जस्ट टेक दैट फिनिश पॉइंट एंड रेवेनेंट शायद से इस मैच से बाहर हो सकते। 6 टीम 16 प्लेयर्स अभी के लिए सर्कल के अंदर जिंदा। जी बिल्कुल, यहां से अब ये जो मैच है वो आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। यहां से अब सिर्फ 6 टीमें और 16 खिलाड़ी, व्हीकल के पीछे कोई भी खिलाड़ी नहीं है, बट हर वो प्रॉपर एंगल ये चेक करेंगे, हर वो जगह ये चेक करते हुए नजर आएंगे, जहां थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी नजर आएगी प्लेयर के होने की वहां स्प्रेस लेंगे। VLT के आतंकी को स्पॉट कर चुके हैं, पेड़ों के पीछे रहेंगे आतंकी, बट उसके बावजूद वहां से डाउन कर दिए जाएंगे। 1M के खिलाड़ी एंड सर्कल पर पहुंच चुके हैं और सर्कल कहीं ना कहीं उन्हें फेवर करता हुआ भी नजर आ रहा है। चांसेस काफी ज्यादा कि 1M की टीम इस मैच में विना विना चिकन डिनर निकाल सकती है, बट अभी भी ये जो फाइट है वो टीम ESN पीछे नहीं हट रहे इन फाइट से, बिल्कुल जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और टीम सोल भी 8 फिनिशेस के साथ अपने आप को इन रिचेस के पीछे रखती हुई, बट वहीं दूसरी तरफ ESN के खिलाड़ी लगातार नॉक होते चले जा रहे हैं। एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे प्लेयर डाउन हुए और अब पर्व और इग्नाइट सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी यहां से बचने वाले हैं। और क्या टीम 1M सर्वाइव कर पाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिरी 8 प्लेयर्स और 3 टीमों के बीच का ये मुकाबला अब हमें बचता हुआ देखने को मिल रहा है और टीम सोल को इस बारे में काफी बेहतरीन तरीके से अंदाजा है कि ये सबसे बेहतर मौका होगा उनके पास क्वेश्चन करने के लिए। और लीजिए, ये प्रेडिक्टेबल स्प्रेज कारगर भी साबित हो रहे हैं, वो व्हीकल्स के साथ रोटेशन वो भी कारगर साबित हो रही है, प्लेयर्स को कुचलने की कोशिश चल रही है। सोल के प्लेयर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ESN की टीम को पूरी तरीके से फिनिश करते चले जा रहे हैं और वहां से रेवेनेंट के टॉप डॉग वो आखिरी प्लेयर बचेंगे। और यहां से क्या फैन करने की कोशिश थी? जी नहीं, टॉप डॉग के करीब गए, एक प्लेयर वहां से डाउन, टॉप डॉग की HP ऑलरेडी काफी ज्यादा लो नजर आ रही है, पेड़ के पीछे अपने आप को रखा हुआ है और यहां से ये थ्रोएबल्स इनफ रहने वाले हैं टॉप डॉग को इस मैच से बाहर करने के लिए। और हमारे आज के दिन का पहला विना विना चिकन डिनर टीम सोल निकाल चुकी है।